आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैलकुलस में जो कि 44 अंक का प्रश्न ज्यादातर हर साल पूछा जाता है और इस बार भी पूछेगा। 2023 चल रहा है और इस साल में भी कैलकुलस से 44 अंक का सवाल पूछेगा। ठीक है भाई, तो क्लास 12 वाले मैथ्स के जो भी 2023 के विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं वो ध्यान से समझेगा, क्योंकि उन्हीं के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया जा रहा है यूपी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, कैलकुलस महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे। ठीक है, 44 अंक के पूछे जाते हैं कैलकुलस से और 10 वर्षों से जो लगातार आ रहे हैं उन्हीं सवालों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता नहीं 44 अंक से कैलकुलस पूछे जाते हैं और प्रश्नों के जो प्रकार होते हैं वो 5 अंकों के पूछे जाते हैं और 8 अंकों के पूछे जाते हैं। ये ज्यादातर मैं इसी पर फोकस करूंगा, ऐसा नहीं कि 8 अंक और 5 अंक से ही पूछता है, ऐसा नहीं है। 1 अंक भी पूछता है, 2 अंक भी पूछता है, 5 अंक भी पूछता है और 8 अंक भी पूछता है। तो ये सभी को मैं छोड़कर मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ज्यादा फोकस में लूंगा, क्योंकि अगर मैं 8 और 5 अंकों का मैं ज्यादातर आपको फोकस में करा देता हूं तो छोटे छोटे सवाल तो आप कर लोगे यार, तो यही करना है। ठीक है, 5 अंक 8 अंक इन दोनों को मैं कवर करूंगा, बाकी सब आप कर लेंगे, ए टू जेड आप कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं कमेंट रीड कर लेता हूं आपके कि क्या आपने कमेंट किया। अगर आप इसको वॉच कर रहे हैं तो आप ऊपर कमेंट कर सकते हैं हमें। ठीक है, मैं देख लेता हूं। हाँ ठीक है, ओके, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं फटाफट कमेंट कर लीजिए। तो बबलू निषाद गुड मॉर्निंग, अच्छा ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग आपकी तरफ से बबलू निषाद। एंड टारगेट 2026 यूपीएससी, गुड इवनिंग मेरे भाई राज यादव, हेलो राज यादव, कैसे हो भाई, बढ़िया है। चलो, जो भी विद्यार्थी आ चुके हैं लाइव सेशन में बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आप लाइव सेशन में आ चुके हैं और कुछ ना कुछ नया सीख के जाने वाला है। ठीक है, चलो इसमें कौन कौन से अध्याय शामिल है वो भी बताएंगे, 5 अध्याय टोटल जो शामिल है वो भी आपको यहां पे बताएंगे। 5ों अध्याय के जो नाम है वो बारीकी से समझ लीजिए। अध्याय नंबर 5वां जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता, अध्याय नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग जिसका नाम है, एंड अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है समाकलन, अध्याय नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण अध्याय नंबर 9। इन सभी को मिला करके ही कैलकुलस बनता है और 44 अंक के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो हो गई कि कैसे कैसे क्या चीजें होता है। अब इसके महत्वपूर्ण जो सवाल है उसको हम कैसे पाएंगे, तो आप एक छोटा सा काम करिए कि आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, कहां दिखेगा भाई आपको, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट दिखेगा, वहां पे जाइएगा, 44 अंक के कैलकुलस के नाम से आपको प्लेलिस्ट बना है, वहां से या तो टोटल वीडियो देख लीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं दूसरी चीजें। और अगर आप पीडीएफ फाइल देखना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमें दे दीजिए, जिससे हम आपको व्हाट्सएप नंबर पे क्या करेंगे, आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है राज यादव, मोस्ट वेलकम भाई, स्वागत है आपका। सीधे बढ़ते हैं सवाल पे भाई, सीधे बढ़ते हैं सवाल पे। और आज का जो सवाल है हमने 8 अंकों का लिया है, किसका लिया कैसा लिया ये भी हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, 8 अंकों का सवाल हमने लिया है और ये सवाल है अवकलन से। अवकलन से 8 अंकों का सवाल जो है वो मैं क्या लिया हूं, मैं आपको यहां पे सवाल प्रोवाइड कर देता हूं, पहले लिख लेता हूं सवाल क्या है। ठीक है, वाई बराबर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, वाई बराबर ई पावर ए एक्स और यह है साइन बी एक्स, ये रहा आपका सवाल। और हमें जो सिद्ध करना है इसमें, ये सिद्ध करने वाला सवाल है ना, ये जो सिद्ध करना है वो क्या करना है भाई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए। आगे जो सवाल है मैं आपके बुक से ही ले लेता हूं, ये अनसॉल्व से मैंने उठाया है, और डी वाई बाई डी एक्स प्लस ना यहां पे है डी वाई बाई डी एक्स और इसके बाद प्लस लिखा है भाई, हाँ प्लस ही लिखा है। ठीक है, प्लस है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और यहां पे है वाई और यहां पे इज इक्वल टू कितना लिखा है भाई, इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ये रहा आपका सवाल। अगर वाई बराबर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो तो
तो सिद्ध कीजिए क्या क्या सिद्ध कीजिए भाई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, ये इसके बराबर होना चाहिए। ये रहा आपका सवाल आज का, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो सवाल है वो आठ अंकों का सवाल है। ठीक है भाई, कितने अंकों का सवाल है मेरे भाई? आठ अंकों का। तो आठ अंक तो ऐसे आसानी से नहीं मिलते हैं, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ करेंगे अभी हम लोग करेंगे भाई फटाफट, चलो देखो क्या करते हैं। ठीक है चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे कैसे करना है, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या चलना चाहिए, यहां से हम शुरू करेंगे और अंत तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये वाला आंसर लाएंगे। कैसे करना है समझिएगा। ठीक है देखिए, क्वेश्चन है वाई बराबर ई पावर एक्स साइन बी एक्स। तो हम सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन ले लेंगे हल, हल लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे वाई बराबर ई पावर ए एक्स और ये साइन बी एक्स। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। ठीक है अब यहां पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये तो क्वेश्चन है लेकिन मुझे जो लाना है ये देखिए डी टू वाई बाई बी एक्स स्क्वायर लाना है। मतलब जो हमारा y है अगर इस y को अवकलन करेंगे तो वो होगा dy वाई बाई डी एक्स एक बार, लेकिन मुझे जो लाना है वो d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब मुझे अवकलन दो बार करना पड़ेगा। यहां तक तो क्लियर है, तो मैं सबसे पहले इसका अवकलन कर लेता हूं। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है x के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy by dx। y का तो अवकलन मैंने कर लिया, अब जो बचा है उसका करेंगे। तो इसका करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहां पे दो फलन है, बीच में इंटू है, गुणा का निशान, पहला फलन दूसरा फलन। हम इसको बनाएंगे प्रथम फलन, इसको बनाएंगे द्वितीय फलन। जब दो फलन आते हैं तो इन दोनों का गुणा जो होता है, दो फलनों के गुणन का अवकलन का एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन। ठीक है d बाई डी एक्स का मतलब होता है अवकलन, तो द्वितीय फलन का अवकलन प्लस प्लस द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन डी बाई डी एक्स प्रथम। ठीक है तो ये आपका रहा फॉर्मूला, क्लियर है। इस फॉर्मूले की मदद से हम चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो प्रथम फलन क्या है भाई, ई पावर एक्स प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन मतलब डी बाई डी एक्स, द्वितीय हमारा क्या है भाई साइन बी एक्स है, मैंने ले लिया। प्लस करेंगे द्वितीय फलन, फिर से लिखेंगे जो कि है साइन बी एक्स और प्रथम का अवकलन मतलब डी बाई डी एक्स, प्रथम क्या है ई पावर ए एक्स है। ठीक है जैसे जैसे फॉर्मूला लिखा है उसी तरह से सवाल को लिख देना है, आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले के बेस पे चलना है और आपके कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है। दो चीजें करिए सारा नंबर मिल जाएगा। अब आगे समझते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ सके। अब देखो यहां पे ये तो चलेगा कंटिन्यू, इसको छोड़ दीजिए। ई पावर ए एक्स में कुछ नहीं करना है, ई पावर ए एक्स। अब देखिए साइन बी एक्स का अवकलन करेंगे तो साइन बी एक्स का, साइन एक्स का कॉस एक्स अवकलन होता है, तो यहां से हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स के जगह बी एक्स है तो हम यहां पे बी एक्स लिखेंगे। लेकिन यहां पे बी एक्स है उसका भी तो अवकलन होगा ना अलग से, तो यहां पे एंगल दो है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फिर से डी बाई डी एक्स, किसका बी एक्स का अवकलन फिर से हमें करना है, इसको करके हम प्लस लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आए तो कमेंट कर लीजिएगा मेरे भाई, मैं बता दूंगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे साइन बी एक्स है उसको छोड़ दीजिए,
फिर करिए डी बाई डी एक्स के जगह ई पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा ई पावर ए एक्स इंटू इसका डी बाई डी एक्स किसका ए पावर एक्स जो है वो ए एक्स का अवकलन फिर से करना भी पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जब ई पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो वो तो वही आएगा ई पावर ए एक्स, लेकिन जो पावर है उसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा ना। तो यहां पे मैंने कर लिया ये। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये समझिए कि निहित फलनों का अवकलन जो होता है इस प्रकार से हमें करना है जो हम लोग मान के करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको समझा देता हूं। ई पावर ए एक्स को हम क्या करते हैं, यहां पर मानते हैं कि माना ए एक्स बराबर मैं टी मान लेता हूं, तो यहां पर हो जाएगा ई के पावर टी, क्योंकि ए एक्स को हमने क्या माना है टी माना है, तो ये e के पावर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो ये यही आता है e पावर टी का अवकलन e पावर टी। ठीक है, इसके बाद t का वैल्यू रखेंगे जो कि ए एक्स होता है, तो यहां से इसका तो मैंने कर लिया, लेकिन जो मैंने माना है इसका भी तो अवकलन करते हैं ना, तो ए एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा ए एक्स का अवकलन करेंगे जो मिल जाएगा ए। तो यहां पर एक चीज आपको यह समझ में आया कि एक बार इसका अवकलन करेंगे टोटल, और एक बार जो मानते हैं जो माना है उसका भी अवकलन करेंगे। इसी प्रकार से मैंने एक बार इसका अवकलन किया और एक बार इसका अवकलन अभी करना है जो अगले स्टेप में हम लोग करेंगे। समझ में आया। उसी प्रकार से यहां पे भी मैंने किया है कि साइन बी एक्स का अवकलन कॉस बी एक्स और बी एक्स का अवकलन अभी मैं करूंगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आया तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। e पावर ए एक्स और यहां पे बी एक्स है, तो अब देखिए इसका अवकलन कैसे होगा। बी एक्स का अवकलन करेंगे तो सिर्फ b मिल जाएगा, क्योंकि x का अवकलन तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे b मिल जाएगा, इस b को उठा के मैं आगे कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा b e पावर ए एक्स और बचा क्या cos बी एक्स बचा, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो इस प्रकार से इन सभी का मैं यहां तक ऐसे कर लिया। ठीक है, चलो प्लस करेंगे। अब देखिए इसमें ए एक्स का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा ए, एक्स तो हट जाएगा क्योंकि वो सिंगल उसका वन हो जाएगा, तो ए मिल जाएगा और यहां पे ई पावर ए एक्स, तो इसको लिखेंगे ए ई पावर ए एक्स और यहां पे बचा क्या साइन बी एक्स, तो ये हो जाएगा साइन बी एक्स। ठीक है मेरे भाई, इतना कर लिया मैंने। अब आगे समझिए, इसके बाद ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आया है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो यहां पे बना लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, और ऊपर देख लेते हैं एक चीज और, ऊपर मैंने एक चीज और किया है। ठीक है, ये जो मेरा सवाल है इस सवाल को आप समीकरण नंबर 1 मानिएगा और इसको मानिएगा समीकरण नंबर 2, तो बेहतर रहेगा। ठीक है, यह समीकरण नंबर 2 और ये जो आपका सवाल था, देखिए सवाल क्या है y बराबर e पावर ax sin bx, इसको 1 मानिए और इसको 2 मानिए ताकि आप दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम आंसर को ला सके। ठीक है, समझ में आ रहा तो कमेंट करिए, मैं आपके एक बार कमेंट देख लेता हूं आपका। ठीक है, चलिए मैं देख लेता हूं आपकी कमेंट। फिलहाल राज यादव, ओके राज यादव मोस्ट वेलकम भाई, स्वागत है। एंड बबलू निषाद एंड और किसी का कमेंट, और आपके कमेंट टोटल रीड करते चले भाई, थोड़े नेट स्लो चल रहा है मेरे में, कोई नहीं। चलिए ठीक है, जो भी आपके कमेंट है वो आते रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई अब आगे क्या करते हैं, थोड़ा सा और ध्यान में रखते हैं। यहां पे यहां तक तो मैंने कर लिया, अब क्या करते हैं यहां पे जो मैंने समीकरण 2 माना है, और इस 2 को मानने से पहले हम एक चीज काम कर सकते हैं कि e पावर ए एक्स, ठीक है, और साइन बी एक्स, यहां पे एक चीज और मान सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहां पे समझाना चाहूंगा, इस चीज को 2 यहां पे ना मान के आप यहां पे एक चीज समझिए कि e पावर ए एक्स और साइन बी एक्स इतना का वैल्यू, देखिए इतना का वैल्यू वाई के बराबर है, तो हम क्या करेंगे ए वाई लिख देंगे। तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा, ठीक है इसको हटा देते हैं, मैं यहां पे इसको कलर चेंज कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बचा बी ई पावर ए एक्स और यहां पे बचा कॉस बी एक्स प्लस,
ये है a और इन टोटल का जो मान है वो समीकरण नंबर एक से y हो जाएगा। और यहां पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं समीकरण एक से, ठीक है, समीकरण एक से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से समीकरण एक से ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे मेरे भाई, हमें पता है कि हमें जो आंसर लाना है वो dt में लाना है, मतलब दो बार अवकलन करके लाना है। तो हम इसका पुनः अवकलन फिर से करेंगे, तो लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब यहां पे देखिए इसका अवकलन फिर से कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए करने के लिए ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, यहां से फिर से दो फलन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रथम फलन और द्वितीय का अवकलन के लिए d बाई डी एक्स, द्वितीय फलन क्या आ गई cos bx, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन, प्रथम हमारा है b e पावर ए एक्स, ठीक है, और प्लस ए वाई है, इसका भी अवकलन होना ही चाहिए, ए वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। मैंने कर लिया सबका अवकलन, ये हो गया। इसके बाद समझिए, इसके बाद समझिए, यहां पे b e पावर ए एक्स को छोड़ दीजिए इंटू, अब देखिए cos bx का अवकलन करना है, d by dx का मतलब उसका अवकलन करना है, तो cos bx का जब हम अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस sin bx का, तो bx रहेगा ही रहेगा, इंटू bx का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा d by dx bx, ठीक है, मतलब bx जो बचा है इसका क्या करेंगे एंगल, उस एंगल को फिर से हम गुणा कर अवकलन करेंगे, प्लस क्या बचा, ये बचा cos bx इंटू, अब यहां पे देखिए इसका अवकलन करना है, किसका b e पावर x का अवकलन करना है, तो इसका अवकलन हो जाएगा b e पावर ax, वो तो सेम वही हो जाएगा इंटू, अब यहां पे एक चीज बचेगा ax, उसका अवकलन फिर से हम करेंगे और प्लस ये जो बचा है उसको लिख लीजिए a dy by dx, ठीक है। इस तरह से मैंने ये टोटल कर लिया, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद समझिए, इसके बाद ये जो माइनस है इस माइनस को मैं आगे भेज देता हूं, पहली चीजें तो ये हो जाएगा माइनस यहां पे, अब यहां पे देखिए b मिल जाएगा, इसका अवकलन जब करेंगे तो यहां पे b मिल जाएगा और एक पहले से b है, मिलके हो जाएगा b स्क्वायर ना, माइनस b स्क्वायर और यहां पे e पावर ए एक्स, ये हो जाएगा e पावर ए एक्स, ये e पावर ए एक्स, ठीक है, ये इस तरह से मिल गया। और क्या बचा भाई, साइन बी एक्स बचा, ठीक है, प्लस कर लेंगे। आगे देखिए यहां से समझते हैं, यहां से देखिए ए एक्स से a मिल जाएगा और यहां पे और कहीं कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, तो ये यहां लिख देंगे ए बी और e पावर ए एक्स, और बचा क्या cos bx बचा, ठीक है। चलिए प्लस जो बचा उसको लिख लीजिए a dy by dx, बस जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे करते जाइए, नंबर मिल जाएगा, 8 अंकों का सवाल है इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बन रहा है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए b इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसको कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन भी कर सकते हैं अगर करना है तो, नहीं करना तो भी मत करिए, हम आगे बढ़ते हैं सीधे, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए a dy by dx दिख रहा है और आगे भी dy by dx था, उन दोनों को हम एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, b को कॉमन करते हैं, माइनस b को कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा हमारा यहां से b e पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस यहां से मिल जाएगा a e पावर ए एक्स cos bx प्लस a dy by dx, ठीक है। इस तरह से यहां पे ये जो है ये कॉमन जहां तक मैंने किया था उतना ही तक हम ब्रैकेट इसका बनाएंगे, यहां तक मैंने कॉमन किया था और ये a dy by dx अलग है तो हम इसको अलग लिखेंगे,
तो यहां तक मैंने कॉमन किया था, वहां तक मैंने बना लिया इसका ब्रैकेट, ठीक है। चलो इतना बनाने के बाद अब मुझे कुछ नहीं करना है, समीकरण एक और दो को ध्यान में रखना है, उसके मान को पुट करना है, बस इतना करना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है भाई, पुट करेंगे कैसे, क्या समीकरण एक देखिए क्या है, देखिए लिखा है बी ई पावर ए एक्स, और यहां पे साइन है तो साइन को छोड़ दीजिए, कॉस के स्थान पे, तो यहां पे देखिए है ना बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला लाइन मुझे नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि इस लाइन करने से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इस लाइन को हम नहीं करेंगे, एक स्टेप पहले ही रखेंगे। इस वाले स्टेप से ही मुझे यह पता चलेगा कि यहां पे देखिए सेकंड वाले में बी ई पावर ए एक्स, बी ई पावर ए एक्स, ठीक, फिर कॉस बी एक्स, यहां पे देखिए कॉस बी एक्स, मतलब इसके स्थान पर यहां पे ए को केवल छोड़ के ना, ये जो ए है इस ए को केवल छोड़ के बाकी सभी वैल्यू का मान हम क्या रखेंगे, इस टोटल का मान और प्लस ए वाई भी बचा है यहां पे, इस ए वाई को इधर भेज देते हैं तो भी क्लियर हो जाएगा, समीकरण को थोड़ा चेंज करेंगे तभी समझ में आएगा आपको। यहां पे लिखेंगे ए वाई को भेजेंगे तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई बराबर ये वैल्यू बी ई पावर ए एक्स प्लस, हाँ ठीक है बस इतना ही है, बी ई पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, ये हो जाएगा आगे कॉस बी एक्स, ठीक है। तो इन सभी का जो मान है वो मैं ये वाला रख सकता हूं, तो इसके स्थान पर मैं क्या करूंगा, ये वाला मान रख सकता हूं, ये वाला डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई टोटल, तो इसके स्थान पर मैं ये रख लेता हूं डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए वाई, ठीक है, इसके स्थान पे ये वैल्यू और ए ऑलरेडी यहां पे मौजूद है, ये ऑलरेडी ए आपका मौजूद है, ठीक है। चलिए प्लस यहां पे ए डी वाई बाई डी एक्स ये भी मौजूद है, तो यहां पे क्या करेंगे ए से गुणा करेंगे टोटल में, और इसके पहले जो वैल्यू है इसको भी लिख लेते हैं माइनस बी स्क्वायर ई ए पावर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। इसके बाद बस एक स्टेप और करना है, बाकी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या स्टेप करना है भाई, इसके बाद ये करना है कि ए से गुणा करेंगे सभी में, और इसके बाद इसको कॉमन करेंगे, कॉमन करने के बाद आप देखेंगे आपका जो लाना है वो क्या लाना है, वो आपके सामने यहां पे मिल जाएगा, यहां पे जो लाना है वो देखिए आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जब आप ए से गुणा करेंगे तो वहां से ये टू ए डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद जब आप y को कॉमन करेंगे, किसको y को कॉमन करेंगे, तो आपका मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से आपको ये मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया है।